था धर्मेंद्र और यहाँ पे पधारे मेरे सारे साथी। आज के इस विशेष दिन में जब हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और जब पूरा भारतवर्ष ये 75 वर्ष हमारे स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है, मैं आप सब लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। हमारे देश ने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए हैं और इसमें सभी की सहभागिता है और सभी का लगन और सबकी मेहनत और सबकी देशभक्ति शामिल है। हम आगे भी दुनिया में बहुत ऊंचाइयों पर जाएंगे अगर हम सब इसी तरह से मिलजुल करके एक साथ बढ़िया से कार्य करते रहें। और जिस तरह पिछले दिनों में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है यहाँ से, जो एक बड़ा संसाधन इकट्ठा हुआ है और जिस तरीके से सारे लोगों ने मेहनत की, मैं आप सब लोगों को बहुत बधाई देता हूँ। और देश जिस तरीके से प्रगति में बढ़ता जा रहा है, हम सब कदम से कदम बढ़ा करके एक दूसरे से कंधे से कंधा मिला करके देश को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इस स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। लोगों को 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम इस खुले आसमान के नीचे आज़ादी के साथ यह उत्सव मना पा रहे हैं, यह आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, इसके पीछे बहुत से लोगों का बलिदान है। हम सब आजीवन उन बलिदान के ऋणी रहे। यह सोच के देखिए, स्मरण करके देखिए, 75 वर्ष पूर्व जब हम लोग बलिदान थे, हमारा जीवन कैसा रहा होगा, उस परिस्थितियों से हमें किस प्रकार हमारे पूर्वजों ने, हमारे आज़ादी के दीवानों ने, आज़ादी के मत वालों ने अपनी जान न्यौछावर करके हमें यह आज़ाद देश दिया और हमारे हवाले किया कि हम लाए तो बांध से कश्ती निकाल के मेरे बच्चों तुम रखना, इसको संभाल। वहाँ से हमारा रोल चालू होता है जब हम आज़ाद और स्वयं प्रभु देश में सांस ले रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो इस देश को आगे किस प्रकार से विकसित करें और इतने नए ऊंचाइयों पर पहुंचाएं कि कभी मुड़ के वापस न देखना पड़े और कभी वापस पराधीनता की कोई एक छोटी सी जंजीर की संभावना ना रहे। आज आप लोग जिस संस्था के अधीन काम कर रहे हैं, जो आपके बाएं तरफ लिखा भी हुआ है महाराष्ट्र कंपनी, उसमें आपका योगदान अविस्मरणीय है। आप लोग जो कार्य कर रहे हैं वो सीधे सीधे देश हित में और देश की जीडीपी बढ़ाता है और देशवासियों को हर चौथे बल्ब को आप लोग ही जला रहे हैं। पूरे देश में जितनी बिजली की आवश्यकता है उसका 25% से अधिक, मतलब एक चौथाई जीडीपीसी उत्पादन कर रही है। अर्थात आप हम सभी मिलकर पूरे देश में हर चौथा बल्ब जो चल रहा है उसके भागीदार हैं। यह भी आज़ादी को मिलने के बाद देश को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान है। आइए हम सब स्वाधीनता दिवस के अवसर पर इन सभी आज़ादी के दीवानों, मतवालों, जियालों को याद करें, स्मरण करें, उनके हमेशा ऋणी रहेंगे, इस बात को माने, उनका सम्मान हमेशा करें और पुराने 75 वर्ष के अमृत काल को स्मरण किया भी था, अब आगे आने वाले 25 वर्षों की सोचें कि आगे आने वाले 25 वर्षों में हम और क्या योगदान करके अपने देशों को, अपने देश को किन ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद, आभार, जय हिंद। हम किए चले हिंद है
तो जान दे, हिंद है तो प्राण दे, हिंद के निशान को बुलंद हम